बेटा अब हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मूव करने वाले हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इक्वेशन के टॉपिक का एक और बहुत चमकता हुआ सितारा, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक जिससे कई क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, चाहे वो आपके पास डिटरमिनेंट बेस हो, चाहे वो आपके पास रूट बेस क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, देयर कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चन. अच्छा भाई अब देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दुनिया में जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. भाई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, फिर ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ए क्या होता है मेरा बेटा, ए होता है आपके पास स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशियंट, सही है ना. तो ये आपके पास जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है क्या होती है इक्वेशन, ये आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है. और आपको पास जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा तो जाहिर सी बात है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स कितने होंगे, टू होंगे, डिग्रियां कितनी होंगी, टू होंगी. ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है मेरा बेटा. यानी कि अगर मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो क्वाड्रेटिक के मायने उसकी जाहिर सी बात है डिग्री क्या होगी उसकी, टू, और रूट्स भी कितने होंगे, टू होंगे. मगर अगर इनकेस हम लोग क्या कर दें, हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू को जीरो कर दें, तो उस सूरत के अंदर मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, जाहिर सी बात है ए अगर जीरो हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इक्वेशन क्या बचेगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. उस सूरत के अंदर रूट कितने हो जाएंगे, फिर रूट एक बचेगा, यानी कि कितने रूट्स आ सकते हैं, आंसर रूट का मतलब आंसर, तो कितने रूट्स होंगे, एक ही रूट होगा. अभी कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे. बट इफ ए इज इक्वल टू जीरो, इफ अगर ए जीरो के बराबर आ जाए, देन सूरत में आपके पास एक क्लियर इक्वेशन फॉर्म हो जाती है. ये बड़ी सिंपल सी बात थी, तो मैंने ऐसे एक कर दिया आप लोगों से. अच्छा अब मैं दो बातें आप लोगों से कहूंगा, और ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा. ग्राफ क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, भाई ये बातें मैं आपको बचपन से बताते हुए आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से. अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ लो, आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं मैं कि मेरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, ये पैराबोला होता है. हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है. दुनिया में कभी भी पैराबोला अचीव होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर अचीव होता है, सही है ना भाई. अब आपके पास जो रूट्स हैं वो बेसिकली क्या है, आपके पास जो रूट्स होते हैं ये नंबर्स होते हैं. ये बात भी बहुत डिफाइन कर सको, रूट्स के मायने क्या होते हैं, आंसर्स. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट्स क्या होते हैं भाई, आंसर्स. और आंसर्स यानी कि नंबर्स होंगे, आंसर्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर्स होंगे. अब ये नंबर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, अब ये नंबर्स हमारे पास रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. और फिर रियल में फर्दर टाइप भी आ सकती है कि रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं. अभी मैं सारी बातें आपको विद एग्जांपल्स समझाऊंगा. मैंने क्या कहा कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ में खास बातें कई होती है, मगर एक खास बात कि भाई जो रूट्स आपको मिलते हैं, रूट्स का मतलब आंसर्स, कैसे मिलेंगे, नंबर्स ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है अगर नंबर है तो. भाई ये नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. अगर रियल होंगे तो रियल में भी दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे. या तो रैशनल होंगे या फिर कैसे होंगे मेरा बेटा, इरेशनल होंगे. सर क्या कह रहे हैं सर, कुछ चीजें समझ में नहीं आई. तो बेटा मैं अभी समझाऊंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो. यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई तो आइए जरा जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई नेचर ऑफ रूट को पता करना है. क्या पता करना है मेरा बेटा, नेचर ऑफ रूट को. अब जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं ना, ये कॉन्सेप्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, नेचर ऑफ रूट्स का. भाई नेचर ऑफ रूट्स यानी कि आपने अपने रूट्स की नेचर को मालूम करना है. अब रूट्स की नेचर मालूम करने के कई तरीके हो सकते हैं, रूट्स की नेचर मालूम करने के तरीकेकार कई हो सकते हैं. सबसे बेहतर तरीका जो नेचर, रूट की नेचर को फाइंड करने का होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला. डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी.
अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला पता नहीं कहाँ से आ गया। भाई बचपन में जब आप छोटे से थे, मासूम से थे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा यहीं से, बस ये यहीं से आपके पास ये जो पर्टिकुलर टर्म होती है ये आपको क्या देती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपके पास आता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अच्छा भाई अब एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा, कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए मेरा बेटा। कभी भी आपके पास अगर रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर, तो हमेशा याद रखिएगा रियल नंबर हमेशा आयोटा के बिना वाला नंबर होता है। रियल नंबर कौन सा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जो कि हमेशा कैसा होगा, विदाउट आयोटा होगा। सही है, ये कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। सेकेंड नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सारी बातें और तो पढ़ा भी चुका हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो विद आयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर होता है मेरा बेटा, एक ऐसा नंबर जो विद आयोटा होता है। देन कम्स दी ऑब्वियसली रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है मेरा बेटा, एक ऐसा नंबर जो कि हमारे पास आ रहा हो विदाउट दी रूट के, यानी कि विदाउट अंडर रूट। रैशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि विदाउट आ रहा हो किसके, रूट के। और चौथे बारी के अंदर इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, इसको भी जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि आपके पास विद आ रहा हो रूट के। ये चार चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। रियल नंबर हमेशा आयोटा के बिना होता है, और इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आयोटा के साथ होता है। आयोटा का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव का वन, सही है ना। और रैशनल नंबर जो होता है ये हमेशा आपके पास क्या होता है, विदाउट अंडर रूट के। इरेशनल नंबर विद अंडर रूट होता है। क्लियर है मेरा बच्चा, आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अब असल में मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कई जगहों पे काम आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को समझाना भी बड़ा तरीके से मुझे है इसीलिए। अच्छा भाई अब देखो ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की कहानी क्या है, ये बात तो मैं आप तमाम लोगों को बता चुका हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। मगर अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ भाई, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपके पास ग्राफ आएगा ना, ये हमेशा दो ही तरह का आ सकता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हमेशा याद रखिएगा अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन जीरो, तो आपको जो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन का मिलेगा। कैसा मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन का, यानी कि कुछ इस तरह का, किस तरह का, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, हमेशा अपवर्ड होगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। एंड व्हाट इज द a, a इज द x स्क्वायर कोफिशिएंट। क्लियर है मेरा बच्चा। सिमिलरली अगर आपके पास a की वैल्यू कैसी आ जाए, लेसर देन जीरो आ जाए, अगर a की वैल्यू कैसी आ जाए, लेसर देन जीरो आ जाए, उस सूरत में जो आपको ग्राफ मिलता है मेरा बेटा वो कैसा मिलता है, डाउनवर्ड का मिलता है। उस सूरत में जो आपको ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मिलता है पैराबोला में। यानी कि कुछ ऐसे हो सकता है, सिंपल ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी होगा मगर डाउनवर्ड का होगा। रिमेंबर दिस थिंग, कैसा होगा भैया, डाउनवर्ड का होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, हमेशा डाउनवर्ड के ऊपर होगा। अब जरा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के ऊपर आ जाओ। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मैंने तमाम बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया कि है क्या चीज है, अभी समझा देता हूँ कि भी करना कैसे है। सही ना, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बेसिकली आपको इक्वेशन गिवेन होगी और आपसे कहा जाएगा बताओ इसके रूट्स कैसे हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के ऊपर फाइंड कर रहे होते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें हम लोग समझ लेंगे, उसमें कोई परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चिंता करने की, वो सारी बातें हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर भी समझ लेंगे। मगर सबसे पहले दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज, अगर कभी भी हमारे पास पहली कंडीशन आ जाए, यानी कि हमारे पास d की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास d की वैल्यू बराबर आ जाए किसके मेरा बेटा, जीरो के। अगर हमारे पास d की वैल्यू बराबर आ जाए जीरो के, तो हमेशा याद रखिएगा d की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, कि रूट्स आपके रियल हैं, आपके रूट्स रैशनल हैं, आपके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स रियल भी हैं आपके, रैशनल भी हैं आपके, और एक और चीज मैंने क्या बताई, इक्वल भी है आपके। सही है मेरा बच्चा, ये तीन चीजें हमेशा होती है। अगर कभी भी आपको इक्वेशन गिवन दी, आपने उस इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डाला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डालने के बाद आपकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, उस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल भी है, रैशनल भी है और रियल भी है। अब इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, कभी भी डी की वैल्यू जीरो के बराबर आए, कभी भी d की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो आपके पास जो ग्राफ्स होंगे वो दो तरह के होंगे। अगर तो आपके a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, अगर तो आपके a की वैल्यू कैसी थी, ग्रेटर देन जीरो थी, यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, तो आपको जो कर्व मिलेगा ना वो
हमेशा ऐसा मिलेगा, सही है। और अगर आपकी ए की वैल्यू लेस देन जीरो की थी, कैसा मिलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन का मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, एक और चीज भी यहाँ पे होती है, जब कभी आपके रूट्स इक्वल होते हैं, जब कभी आपके रूट्स इक्वल होते हैं, तो उस सूरत के ना जो आपका जो कर्व होता है ना, ये आपका जो पैराबोला होता है, ये एक्सेस की लाइन को जस्ट टच कर रहा होता है, जस्ट एक्सेस की लाइन को टच कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत आगे पीछे की बाहर बना हुआ होता है। क्लियर है मेरा बेटा? तो हमेशा याद रखिएगा, ये कर्व वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, नस साइड के ऊपर स्पेशली, आईबीए साइड के ऊपर स्पेशली, एनईडी साइड के ऊपर, फास्ट साइड के ऊपर। क्लियर है? तो भाई कभी भी अगर आपके पास डी की वैल्यू जीरो होगी, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। और जाहिर सी बात, ये बात पढ़ा चुका हूँ कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो रूट अपर डायरेक्शन का पैराबोला होगा, और लेसर देन जीरो के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा। और चूंकि रूट्स इक्वल है, तो भाई जो पैराबोला होगा ये एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस बन रहा होता है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर स्टेटमेंट देखिए, अगर आपकी डी की वैल्यू कैसी आ जाए? जीरो से बड़ी आ जाए। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए, तो रूट सिंपल हमारे पास क्या होते हैं? रियल होते हैं। अगर डी की वैल्यू कैसी आ जाए? जीरो से बड़ी आ जाए। अगर डी की वैल्यू कैसी आ जाए मेरा बेटा? जीरो से बड़ी आ जाए, तो रूट सिंपल रियल बस होते हैं, सिर्फ रियल होते हैं। अब यहाँ पे जो इनके कर्व्स बनते हैं, अगेन अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है ए की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है अपवर्ड तो बनेगा, मगर कुछ इस तरह का बन रहा होता है। और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, तो डाउनवर्ड तो बनेगा, मगर इस तरह का। इसके पीछे रीजन ये होता है, भाई ए और बी आपस में मैच नहीं कर रहा होता, तो ऑब्वियसली वो आगे पीछे मूव हो रही होती है। पॉइंट इज डेट, कभी असल चीज क्या है, कभी भी डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला कभी भी अगर आपका ग्रेटर देन जीरो का है, तो रूट्स कैसे होंगे? हमेशा आपके रियल होंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? यानी कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, सही है भाई। और अगर लेसर देन जीरो है, तो रूट्स आपके पर्टिकुलरली जो ये होंगे, आपका जो कर्व होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा, और ग्रेटर देन जीरो के ऊपर अपर डायरेक्शन का होगा। और तीसरी कंडीशन भी देख लो भाई, तीसरी कंडीशन क्या होगी? वाइस वर्सा, अगर ए की वैल्यू कैसी गिवन हो आपको, सॉरी डी की वैल्यू, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला कैसा गिवन हो, लेसर देन जीरो का, यानी कि आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने उससे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुले की वैल्यू क्या आ गई? जीरो से छोटी आ गई। तो उस सूरत हाल के अंदर जो आपके रूट्स होंगे, ये रूट्स इमेजिनरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरा बेटा? ये रूट्स क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी कहलाते हैं, सही है ना? या फिर इनको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं, या फिर इनको अनइक्वल रूट भी कहते हैं, या फिर इनको अनरियल रूट भी कहते हैं। तो अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए, तो रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अनइक्वल या अनरियल भी कह रहे होते हैं। और इस सूरत हाल में जो आपका कर्व बन रहा होगा, ग्राफ बन रहा होगा, अगेन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा? ऐसे करके होगा, और लेसर देन जीरो के लिए क्या होगा? कुछ ऐसे करके होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए, सिंपल सी। मैंने कुछ आपको डायग्राम भी साथ साथ इनकी सिखाई है, क्योंकि असल में डायरेक्टली क्वेश्चन से बहुत दफा पेपर में एज इट इज आ रहे होते हैं, कि आपको जो है ना एक इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताओ इसका ग्राफ कौन सा। अब बच्चा परेशान होता है, इक्वेशन गिवन है, ग्राफ कैसे निकालू? तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला पे ग्राफ बता देगा कैसा होगा। तो भाई जल्दी से अगर कोई रिवीजन दे दूं, अगर देखो कभी भी डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, रूट्स कैसे हैं? रियल है, रैशनल है, इक्वल है। हमेशा जो आपको पैराबोला मिलेगा, वो ऑन दी एक्सिस मिलता है, एक्सिस को जस्ट टच कर रहा होगा, अपवर्ड के अपवर्ड डायरेक्शन ग्रेटर देन जीरो के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन लेस देन जीरो के ऊपर। और अगर कभी भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो रूट्स आपको रियल मिलेंगे। और मगर ग्राफ कैसा मिलेगा? ग्राफ जो आपको मिलता है, वो एक्सिस के दरमियान का होता है, यानी कि एक्सिस को टच कर रहा होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, अपर डायरेक्शन ग्रेटर देन जीरो और डाउनवर्ड डायरेक्शन लेस देन जीरो, सिंपल सी चीज है। और अगर आपकी डी की वैल्यू कैसी आ जाए? लेसर देन जीरो आ जाए, तो अब की बारी में जो आपको रूट्स मिलते हैं, वो इमेजिनरी मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, और अनइक्वल मिलते हैं, अनरियल मिलते हैं। और जो ग्राफ होगा, अगेन ग्रेटर देन जीरो के लिए अपवर्ड, लेस देन जीरो के लिए डाउनवर्ड। मगर पॉइंट क्या है आपके पास, कि भाई अपवर्ड वाला बहुत दूर होता है, यानी कि बीच में कहीं एक्स और वाई के लाया कर रहा हो, तो डाउनवर्ड वाला अगेन बीच में कहीं लाया कर रहा हो, तो डाउनवर्ड के ऊपर। ये सारी बेसिक बातें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए मेरे बेटा। अगर मालूम होंगी, तभी हमारे लिए जिंदगी आसान होगी, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी। एक चौथी चीज भी यहाँ पे आपको मैं पढ़ा देता हूँ, और ये चौथी चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर के। अगर कभी भी आपका पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, यानी कि 4 के बराबर आ जाए, 16 के बराबर आ जाए, 9 के बराबर आ जाए, उस सूरत के अंदर भी रूट्स कैसे होते हैं? रैशनल रूट्स कहलाते हैं। कैसे रूट्स कहलाते हैं? रैशनल रूट्स कहलाते हैं। और अगर परफेक्ट स्क्वायर के बराबर ना आए, तो कैसे रूट्स कहलाते हैं? फिर इरेशनल रूट्स कहलाते हैं। ये दो चीजें ज़हन में रखिएगा, इसके ऊपर भी बेतहाशा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्या कहा मैंने? मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर तुम्हारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4, 16,
आपके पास 36 हो जाएगा, आपके पास 81 हो जाएगा, आपके पास इट कैन बी एनी परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स कैसे कहलाएंगे? रैशनल रूट्स कहलाएंगे। व्हाइल अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के बराबर ना है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में नहीं होती परफेक्ट स्क्वायर के बराबर, तो रूट्स कैसे कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के भी क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आएगी बात। अब आते हैं जरा एमसीक्यूज के ऊपर। आप सोच रहे होंगे सर आज की क्लास के अंदर आपका तरीकेकार तो ये, इतने सारे क्वेश्चन आप करवाते हैं, जब से थ्योरी 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 इतनी ज्यादा चल रही है तो मेरा बेटा इसमें मैं मजबूर हूं कि इस टॉपिक के अंदर थ्योरी ज्यादा होती है। बट अब हम आ रहे हैं जरा एग्जांपल्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना बेटा, बिलियन डॉलर्स की थ्योरी है, इससे एमसीक्यूज बेतहाशा पेपर में आते हैं। अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरा अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। अब देखो क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 = 0। मुझसे कहा जाता है कि भाई बताओ इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। मुझसे क्या कहा जा रहा है? बताओ इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। भाई अभी फाइंड कर लेते हो, क्या मसले की बात थोड़ी है, कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, सी की वैल्यू क्या है, 4। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर इज पॉजिटिव का 9। माइनस का साइन फॉर्मूले का 4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, क्या बन गया 9 का 9, 4 2s are 8, 8 2s are, हाँ भाई 4 2s are 8 एंड देन 8 4s are, 4 × 8 आपके पास सिंपल तरीके से 32 है ना भाई, 4 × 8 सिंपल तरीके से 32। तो भाई 9 में से तुम 32 निकाल दो। देखो तुम्हें आंसर का मुझे अचार नहीं डालना, मुझे इस आंसर को निकाल के अपने ड्राइंग रूम में नहीं सजाना, मुझे जल्दी जल्दी मैथ सॉल्व करनी है। मुझे ये बात बड़ी कॉमनली पता है, सिंपल तरीके से पता है, मैं 9 में से जब 32 निकालूंगा जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या भाड़ में नेगेटिव का आंसर आएगा, मुझे लिए कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। जब नेगेटिव का आंसर आएगा तो ये बात मुझे मालूम होनी चाहिए कि भाई मेरा यहाँ पे इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि मेरे रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, अनरियल है। कैसे हैं भैया मेरे रूट्स यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स रूट्स गिवन है। रूट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है। रूट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है, अनइक्वल है, अनरियल है, इमेजिनरी है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में बहुत आते हैं कि लेट सपोज एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आ गया x² माइनस का 10x प्लस का 25। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, क्वेश्चन क्या था, x² माइनस का 10x प्लस का 25 = 0। मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है, सही है ना, a की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, 1 गिवन है। b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास नेगेटिव का 10 आ रही है, सही है मेरा बच्चा। और C की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 25 के। देखो भाई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हमारे पास होता है B का स्क्वायर माइनस का 4AC। ओके, तो B का स्क्वायर 10, नेगेटिव का 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 100, नेगेटिव का 4, इट इज A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू क्या है, 25 है, सही है। तो 4 × 25 किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है, 100 में से 100 क्या, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब D की वैल्यू 0 आ रही है, कैसी आ रही है, 0 आ रही है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो भाई मैंने तो आपको आंसर बताया था, D की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या, रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, रूट्स कैसे हैं, रियल है, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। मैंने क्या कहा था, कभी भी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। रैशनल क्यों होंगे सर, रैशनल तो परफेक्ट स्क्वायर पे होते हैं भाई, जीरो इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, जीरो इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर है मेरा बच्चा। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, रैशनल रूट्स भी होंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन अब कोई भी आ जाए इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे मालूम है मुझे फर्दर करवाने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा भाई अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर जल्दी से अब हम लोग आगे भी मूव कर सकते हैं मेरा बेटा। अब हमें कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जब मूव कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हम फाइनली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले किसी भी दुनिया के अंदर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है हमें मालूम होना चाहिए। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो या मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दो। क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है, ये होता है x² माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स, प्लस का सिंबल आएगा, फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन
और इक्वल टू के बाद जीरो आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को याद भी हो और आपको मालूम भी हो, और आप लोग इस बात से खफा होंगे सर आपने फॉर्मूला क्यों लिख दिया, ये तो बहुत इजी सी चीज है सर, इसको तो हम बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। पर मसले की बात पता है क्या है, मसले की बात यही है कि बच्चे बच्चे सॉल्व कर नहीं पाते, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैसे, मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का या इक्वेशन इन मेकिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए। मेरा बेटा, हमारे पास दुनिया में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। दुनिया में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे पास क्या होते हैं, दो रूट्स होते हैं। इन दो रूट्स को हम क्या कहते हैं, एक को मासूम से कहते हैं अल्फा, एक रूट को हम कहते हैं बीटा। एक रूट को कहते हैं अल्फा, एक रूट को हम कहते हैं बीटा। हमारे पास एक टॉपिक सबसे पहले आता है, इस टॉपिक का नाम होता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि तुम्हारे पास दुनिया की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है कोई भी, जिनको आप अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करवा रहे होते हो जिनके रूट्स को, यानी कि आपके पास दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो बेसिकली रूट्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, अल्फा और बीटा से। तो एक हमारे पास सब टॉपिक आता है, इस सब टॉपिक का नाम क्या होता है, सम ऑफ रूट। भाई मैं SOR की फॉर्म में लिख रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आपने इसको SOR की फॉर्म में नहीं लिखना, आपने इसको प्रॉपरली लिखना है कि आपको याद रहे पता चले। तो मैं तो पढ़ाता इतनी जगह मेरा बच्चा, मेरे को टाइम ही नहीं होता लिखने का। पॉइंट इज दैट के आपने ये काम नहीं करना। तो सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, आपके दोनों इंडिविजुअल रूट्स का सम, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम होगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का बी डिवाइडेड बाय। क्लियर है? इसी तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक और चीज एग्जिस्ट करती है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या कहते हैं मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट के मायने क्या होते हैं, अल्फा डॉट बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, सी डिवाइडेड बाय ए के। ये बड़ी बेसिक बेसिक मैं बातें कर रहा हूँ, अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, बात को समझेंगे बड़ी आसान भाषा में यार, मुझे मुश्किल बात करने की आदत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेट सपोज तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तुमसे मैं कहता हूँ कि बताओ इस क्वेश्चन के रूट्स क्या है, मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि बताओ इस क्वेश्चन के रूट्स क्या है। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि तुम भैया इसके रूट्स निकाल लो किस फॉर्म के ऊपर, तुम इसके रूट्स निकाल लो सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करवा के। एक तरीका तो रूट्स निकालने का ये होता है कि आप मिडिल टर्म वगैरह जो ब्रेक करते हैं। एक तरीका और भी होता है, और वो तरीका मैं आप लोगों को पहले ही कन्वे कर चुका हूँ कि भाई सिंपल तरीके से क्या करो, इसके रूट्स निकाल लो। एक रूट कैसे निकालोगे, सम ऑफ रूट के ऊपर। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। तो भाई देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे ए किसके बराबर है, 1 के बराबर आ रहा है। बी की वैल्यू, ए क्या होता है मेरा बेटा, स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि स्क्वायर बेस टर्म के साथ जो नंबर लिखा है उसको ए कहते हैं। बी क्या होगा, सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 5 होगा। और सी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 6 के बराबर आ रही है। सही है मेरा बच्चा? तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 5, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना भाई। तो सिंपल तरीके से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि एक रूट के वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। एक रूट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्लस के 5 के बराबर आ गई। आगे मूव कर लेंगे, आगे मूव जब करते हैं तो आगे क्या होगा, आगे भी देख लीजिए। लेट सपोज अगला रूट कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है। देखो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 6 आ रही है ना भाई। और ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, अल्फा डॉट बीटा का आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से 6 के बराबर आ जाएगा। तो आपके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक आ गया आपके पास सम ऑफ रूट आ गया 5, और अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 6 के बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत एग्जिस्ट करते हैं। सही है मेरा बच्चा? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी आसानी के लिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 3x² आगे आ रहा है प्लस का 7x प्लस का 4। क्लियर है? एक क्वेश्चन आ रहा है 3x² प्लस का 7x प्लस का 4 इक्वल टू के बाद 0 आ रहा है। हमसे कहा जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि इसके रूट बताओ, रूट कैसे निकालोगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या निकाल लोगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा बेटा, अब देखो डायरेक्ट डायरेक्ट काम करना है, अब बेबी स्टेप्स मैंने बहुत सारे करवा दिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए होता है। सही है ना? देखो यहाँ पे माइनस का साइन फॉर्मूले का एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है, 7 है। ए की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अल्फा डॉट बीटा का आंसर आ गया, पहला रूट आ गया। फिर हम फाइंड कर लेंगे अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। सी बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, 4। ए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। भाई बच्चे बच्चे फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है हमारे मुल्क के अंदर।
समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो भाई कौन सॉल्व करता है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेट सपोज आपसे मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आ रहा है 2x² + 3x + 5, आपसे कहा जाता है कि भैया बताओ वैल्यू बताओ, रूट्स की वैल्यू बताओ, अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान तरीका, बच्चे बच्चे सॉल्व करेंगे, क्या कर लोगे सिंपल तरीके, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भैया, माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए यानी कि -3/2। फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, सिंपल तरीके से 5/2 कर दोगे। सिंपली सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे मजे के होते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें मतलब आपको हलवा पका के दिया हुआ होता है। क्लियर है मेरा बच्चा, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी मसला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन है तो सिंध बोर्ड से लिया हुआ, मगर ये क्वेश्चन पाकिस्तान की तकरीबन हर मेजर यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा गया और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और बच्चा इतना नालायक होता है कि फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ता है फिर भी इसको ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड साइट पे नहीं आता। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा देखिएगा और अगर लिख सकते हो तो बिल्कुल बैठ के लिख लो इसको अपने पास। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू will both the roots of, for what value of p and q will both the roots of, will both the roots of, for what value of p and q will both the roots of, will both the roots of y square plus ka 2p minus ka 4 into y equal to ke baad 3q plus ka 5 will vanish, will vanish। ये क्वेश्चन नस साइड, एनईडी साइड, फास्ट साइड, आईबीए साइड, हर जगह हर साइड पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू विल बोथ द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू पी माइनस फोर इंटू वाई इक्वल टू थ्री क्यू प्लस का फाइव विल वैनिश। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा बड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है, पता नहीं इंग्लिश के अंदर मसला करते हैं किसमें मसला करते हैं, हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, या पता नहीं इक्वेशन देख के घबरा जाते हैं, सर इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है। अबे तुमने इक्वेशन का अचार थोड़ी डालना है, तुमने खाली अपना एक काम करना है। हमेशा याद रखो इस बात को, अगर क्वेश्चन में रूट्स का लफ्ज आ गया ना, रूट्स का जिक्र आ गया, रिमेंबर दिस थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है और उसके अंदर भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का टॉपिक आ रहा है, तो सबसे पहले रूट्स का जिक्र आ रहा है तो रूट्स निकाल लो। रूट्स मतलब रूट्स के मायने क्या है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी इक्वेशन देखूं तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का 4 इंटू वाई, और ये वाली दोनों इक्वल टू के इस तरह जो टर्म्स है जब इस तरफ आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3q माइनस का 5 इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज क्या है कि मेरा प्यारा बच्चा, अब अगर मुझे सम ऑफ रूट निकालना है तो मुझे मालूम है कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी डिवाइडेड बाय, है ना भाई, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। अब देखो बी क्या होता है, बी होता है आपके पास सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशियंट, जो कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे है 2p माइनस का 4, सही है। और ए क्या होता है, ए होता है आपके पास स्क्वायर बेस वेरिएबल का कोफिशियंट, जो कि वाई स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है किसके मेरा बेटा, आपके पास c डिवाइडेड बाय a के, किसके बराबर है, c डिवाइडेड बाय a के। देखो c क्या होता है, आपके पास c होता है कांस्टेंट टर्म, तुम्हारे पास दुनिया में एक चीज होती है a, a होता है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशियंट, फिर आती है b, b होता है सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशियंट, a और b के अलावा इक्वेशन में जो भी चीज रिमेनिंग होती है सब कांस्टेंट होता है। मेजॉरिटी बच्चों को ये क्लास 6 का क्लास 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता, वो समझते हैं c सिर्फ जो है ना कांस्टेंट, सिर्फ 5 होगा यहाँ पे। 90% बच्चा भी जहन में ये सोच रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% बच्चा सोच रहा होगा सर कॉन्स्टेंट तो सिर्फ 5 है, अल्लाह के वास्ते नहीं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नहीं ये गलत कॉन्सेप्ट है। जिस ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ते थे उसे घर पे आके पत्थर मारना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि मेरा बेटा देखो तुम्हारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर जो तुम्हारे पास ए होता है स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट, सही है ना, बी क्या होता है सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, इक्वेशन में ए और बी के अलावा जो भी चीज रिमेनिंग होती है सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, माइनस का 3q माइनस का 5 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास ए, ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सही है। अब तुम्हारे पास फाइनली सम ऑफ रूट की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी आ गई। जब तुम्हारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी आ गई, तो आपने क्या करना है, आपने अब कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट क्या है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है तुमने, तुमने किसको फाइंड करना है, पी और क्यू की वैल्यू को। अच्छा एक चीज और, सम ऑफ रूट के मायने क्या है कि आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट के मायने क्या है, आपके पास अल्फा डॉट बीटा की आंसर आ गया, सही है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि पी और क्यू की वैल्यू उस वक्त फाइंड करनी है जब ये दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। अब मैं आपको बता चुका हूँ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है ये वैनिश हो जाए, वैनिश के मायने क्या होते हैं, गायब हो जाना, एक बेसिक इंग्लिश में वैनिश के मायने क्या होते हैं, गायब हो जाना, और मैथ्स में गायब हो जाना या छूमंतर हो जाने का मायने क्या है कि अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, है ना भाई, ये मायने है। तो भाई देखो यानी कि हम क्या करेंगे, हम बारी बारी यहाँ पे अल्फा और बीटा जीरो रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस का टू पी माइनस माइनस प्लस का फोर, तो माइनस का टू पी जब वहां पे जाएगा तो प्लस का टू पी बन जाएगा, तो आपके पास सिंपल तरीके से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, पी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी टू के बराबर, क्यों, क्योंकि भाई देखो अल्फा और बीटा क्वेश्चन कह रहा है जीरो के बराबर है, वैनिश हो जाएंगे, तो जब अल्फा और बीटा जीरो रख दूंगा तो बेटा ये वन वहां पे डिवाइड होना जीरो से मतलब खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस टू पी प्लस फोर हो जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का टू आ जाएगी। सिंपल तरीके से यहाँ पे भी यही काम करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर आ गए, वैनिश हो गए, जीरो हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का थ्री क्यू माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री क्यू एज इट इज माइनस का फाइव जब वहां पे जाएगा तो पॉजिटिव का फाइव आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, भैया नेगेटिव का थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है ना वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का फाइव बाय थ्री आ जाएगी, तो आपके पास जो पी और क्यू का आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, तो आपको खुदारा लाजमी आना चाहिए, क्लियर है मेरा बच्चा, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला। बेटा अब हम लोग अपने फर्दर क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसमें कोई मजबूरी है, और वो मजबूरियां ये है कि भाई हमारे पास, हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास, हमें सम ऑफ रूट का तो फॉर्मूला गिवन है, हमने सम ऑफ रूट पढ़ लिया, हमें सम ऑफ रूट का बेटा फॉर्मूला क्या गिवन है, ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा, और ये फॉर्मूला होता है माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। इसी तरीके से हमें सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला गिवन होता है, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा डॉट बीटा, ये सारी बातें कि हम देख चुके हैं, इसके बराबर होता है सी डिवाइडेड बाय ए के। अब मसला ये आता है यहाँ पे कि भाई अगर हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा के अलावा वाला कोई फैक्टर सॉल्व करने के लिए आ गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं, खुदारा आपको फॉर्मुलाज मालूम होने चाहिए, अगर फॉर्मुलाज नहीं मालूम होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो भाई लेट सपोज अगर कभी भी आपके पास अल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मुला होता है, आपको मालूम होना चाहिए तो भाई अल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का फोर अल्फा बीटा। सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है किसके लिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, और ये वही बचपन वाला फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या फॉर्मूला होगा भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये भी सेम वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। और चौथे नंबर पे एक और फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर का, ये क्या होता है मेरा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस का बीटा। तो भाई आपको ये चार फॉर्मूलाज लाजमी याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा नस्ट के पास्ट पेपर के, फास्ट के पास्ट पेपर के, आईबी के पास्ट पेपर के, एनईडी के पास्ट पेपर के, कॉमसेट्स के पास्ट पेपर के, आप देखोगे भाई किस तरीके से फॉर्मूलाज यूज कर रहे होंगे, क्लियर है मेरा बच्चा। तो ये फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी आने चाहिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, बात को जरा एग्जाम्पल से समझेंगे भाई, ऐसे नहीं समझेंगे, बात को किससे समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। लेट सपोज आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मेन क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन ने एग्जाम्पल ली थी उसको देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जब आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो इसको तरीके से बैठे क्वेश्चन लिखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, सही है, आपसे कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब बेटा ये एक क्वेश्चन खाली मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसके अब मैं आपको डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज करवाऊंगा, कोई 10-15 एमसीक्यूज या 8-9 एमसीक्यूज करवाऊंगा, ये एमसीक्यू नस्ट पास्ट पेपर से लिए गए हैं, फास्ट के, आईबीए के, एनईडी से, ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, मेरे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से लिंक कर रहा होता है, तो मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज को एक ही क्वेश्चन में मिला दिया ताकि आप इनको एक साथ सॉल्व कर सको। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देखो अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है,
पार्ट नंबर ए यानी कि एमसीक्यू नंबर वन कह रहा है कि बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, भी फाइंड करना सिखाऊंगा आपको। यानी कि क्वेश्चन आपने अगर लिख लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर कभी भी तुम्हारे पास रूट्स का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तुम क्या कर लोगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो। तो सबसे पहला काम तो बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेता हूं इस इक्वेशन का। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस का b डिवाइडेड बाय a क्या बन जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा बेटा c डिवाइडेड बाय a यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2। तो कभी भी रूट्स का क्वेश्चन आएगा हमेशा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सबसे पहले फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड करके वैल्यू बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्टली तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको मैंने जो चार फॉर्मुला दिखाया ना, इन चारों फॉर्मुलास को देखो। अब देखो इनमें से एक फॉर्मुला लग रहा होगा यहाँ पे, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मुला है मेरा बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, सिंपल सा फॉर्मुला होता है। फॉर्मुला कहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, सही है ना। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 एज इट इज। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 5 बाय 2, सही है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाय 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो 9 बाय 4 में से अगर आप 5 को माइनस करवा दोगे तो क्या आएगा, एलसीएम दे दो यार यहाँ पे। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर बेटा कोशिश किया करो यूज ना करो, सिर्फ पाकिस्तान में एनईडी और प्यास कैलकुलेटर अलाउ करती है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो खुदा रहा कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व किया करो, स्टार्टिंग हो सकता है 5 मिनट लगेंगे 6 मिनट लगेंगे कोई मसले की बात नहीं है, मगर जाहिल नहीं बनोगे इतनी गारंटी देता हूँ। एलसीएम लोगों सिंपल तरीके क्या बन जाएगा, 5 × 4 = 20, 9 में से 20 निकालोगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव का 11 बचेगा। तो क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव का 11/4 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 11/4 आ गई। इसी तरीके से सेकंड एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। सेकंड एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि भाई क्वेश्चन मेन क्वेश्चन यही है, कहता है इसकी वैल्यू बताओ अल्फा बाय बीटा डिवाइडेड बाय बीटा बाय अल्फा। बेतहाशा दफा ये एमसीक्यू पेपर में आया है, बेतहाशा दफा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स। क्या कह रहे हैं बताओ अल्फा बाय बीटा प्लस के बीटा बाय अल्फा की आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है भाई। देखो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले नंबर के ऊपर सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, एलसीएम ले लो यहाँ पे। एलसीएम लेने के ऊपर जाओगे, देखो एलसीएम लेने का बेसिक असूल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा बीटा, ये अल्फा अल्फा जाके क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा जाके क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, सही है ना। एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे, बेटा वैल्यू मत डालिएगा अभी, पहले सिंप्लीफाई कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, हम इसका फॉर्मुला पढ़ चुके हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर होता है किसके मेरा बेटा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के, और आगे क्या आएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है अल्फा बीटा का अल्फा बीटा एज इट इज। अब तमाम वैल्यूज को आपने पुट करवा देना है। भाई देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा की। आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें मेन इक्वेशन गिवन है, सही है ना, इक्वेशन है गिवन है हमें और हमें चीजें फाइंड करनी है। तो चूंकि हमने मेन क्वेश्चन एक ही रखा हुआ है और इसके सब आपको मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, पेपर में हो सकता है कोई सा भी एमसीक्यूज आ जाए, तो भाई अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू पुट करवा दीजिए, क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 3/2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 एरिट इज। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, और सबसे नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे भी क्या आ जाएगा 5/2। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव के 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 9/4, और इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा, सही है ना। देखो ये 5/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके लिखा जाएगा, क्या होके लिखा जाएगा रेसिप्रोकेट होके, क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बच जाएगा 9/4 में से माइनस का 5 माइनस करना है। सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स, एलसीएम लूंगा भैया, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 9 में से 20 गया, नेगेटिव का 11/4 आ जाएगा, सही है ना। और ये बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, बाहर ये 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा नेगेटिव का 11/10। आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव का 11/10। मेरे पास अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस के बीटा डिवाइडेड बाय 11 की क्या वैल्यू आ रही होगी, बीटा बाय अल्फा की नेगेटिव का 11/10 आ रही होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, बताओ भाई क्या मसले की बात है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा ये एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए, मैं एक साथ कंबाइन करके आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वैसे एक आती आएगा, पर प्रैक्टिस आपको तो थपकी करनी है ना मेरा बच्चा। लेट सपोज आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, तो भाई देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मुला मैंने आपको पढ़ाया, क्या होता है मेरा बेटा इसका फॉर्मुला, बड़ा सिंपल सा फॉर्मुला है। क्या फॉर्मुला है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
माइनस का थ्री अल्फा बीटा, माइनस का थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो भाई देखो अल्फा प्लस बीटा के ऊपर वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट की, क्या वैल्यू आ रही थी माइनस थ्री बाई टू आ रही थी, अब तो याद हो गई है भाई, है ना भाई। और थ्री का थ्री एज इट इज, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइव बाई टू थी, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी फाइव बाई टू थी, अल्फा बीटा फाइव बाई टू आ गया। अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, ये थी माइनस थ्री बाई टू थी, सही है ना मेरा बच्चा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस के थ्री बाई टू का क्यूब, माइनस के थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा मेरा बेटा, थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। और चूंकि क्यूब एक ऑड पावर थी इसलिए नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहा, और टू की पावर क्यूब क्या हो जाएगा एट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा और से देखिएगा, ये माइनस का थ्री जब फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, और माइनस का 15 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस का 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा बेटा प्लस का 45 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा टू इंटू टू जब आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो फोर बन जाएगा, सही है ना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें भाई, ये एक मजे की चीज है। तो भाई देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है फोर, यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे एट आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे, बेहतर तरीका क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो फोर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सिंपल तरीके से हो जाएगा फोर टू जर, यहाँ पे सब दोनों के नीचे क्या आ जाएगा एट आ जाएगा, इधर ऊपर माइनस 27 एज इट इज, 45 इंटू टू किसके बराबर होता है मेरा बेटा 90 के बराबर होता है, तो 90 माइनस 27 कर दीजिए क्या आ रहा है, अगर आप 90 में से 27 को माइनस करेंगे जाहिर सी बात है एक कैरी जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 बचा, क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास 63 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा बेटा 63 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास 63 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। अब बताओ मेरा बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक की बात। एक क्वेश्चन और जरा एग्जिस्ट करता है उसको भी देख लीजिए जल्दी से, अपने पास क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो बेटा अपने पास एक, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, आगे एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, गौर से बात सुनिएगा, if alpha and beta are the roots of the equation 2x square plus 3x plus 5 equal to 0, find the equation whose roots are the double the roots of the given equation, part A में लिखो whose roots are the double the roots of the given equation, क्या है उसके roots, double है given equation के roots से, whose roots are the double the roots of the given equation, part number A, whose roots are the double the roots of the given equation, और फिर एक लाइन छोड़ के लिखो पार्ट बी, पार्ट बी में लिखो whose roots are the reciprocal of the roots of the given equation, whose roots are the reciprocal of the roots of the given equation, ये दोनों MCQs पेपर के अंदर बेतहाशा पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are the double the roots of the given equation, पार्ट ए, reciprocal of the roots of the given equation, reciprocal of the roots of the given equation। मैं आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास कभी भी रूट्स का क्वेश्चन आए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना है, सही है ना मेरा बेटा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सम ऑफ रूट होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, सही है ना, क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का थ्री डिवाइडेड बाय टू, और अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है वो आ जाएगा हमारे पास फाइव डिवाइडेड बाय टू। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे ना बेटा उसमें इक्वेशन फाइंड नहीं करनी थी, अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इक्वेशन फाइंड करने का, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा लिख देता हूं, इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जुमला देखिएगा सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सही है ना, आगे मूव करते हैं, इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू जीरो। तो भाई आपको बेसिकली क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है आपको एक और इक्वेशन फॉर्म करनी है, सही है ना, अब ये क्वेश्चन आ रहा है, अब जरा गौर से बात सुनिएगा, अब आप बोलेंगे सर
हमने सम ऑफ रूट निकाला हुआ तो ही अल्फा प्लस बीटा, इसको यहाँ पे पुट करवा दें, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला हुआ तो पुट करवा दें, आंसर आ जाएगा सर, इक्वेशन आ जाएगी। नहीं मेरा बेटा, ये आपके पास अभी सिंपल सम ऑफ रूट है, ये आपके पास अभी सिंपल प्रोडक्ट रूट है, यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, यानी कि जो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है उसका सम ऑफ रूट चाहिए। ये जो आपने सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट रूट निकाले तो आपने गिवन इक्वेशन निकाला है ना, तो भाई आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपको जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स की हिंट दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि भाई या तो आपको इस तरह से हिंट दिया जाएगा, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा ही जाएगी तो या तो आपको रूट्स दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कि भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स लेट्स सपोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कह देगा, तो आप सिंपल तरीके से इनको ऐड और मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके आंसर आ रहे होंगे। मगर हो सकता है बहुत दफा इस तरीके की कंडीशन दी जाए, डबल दी रूट्स वाली, डबल दी रूट्स वाली अगर कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। यानी कि पहले आप यहाँ पे खुद से रूट्स पहले एज्यूम करोगे रूट्स कौन से, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हें जो इक्वेशन फाइंड करनी है ना उसके रूट्स डबल हैं गिवन इक्वेशन के रूट्स के। तो भाई गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, है ना भाई, इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं, तो उनका डबल, उनके डबल के मायने क्या हुए, जाहिर सी बात है टू अल्फा और टू बीटा होंगे। क्या होंगे मेरा बच्चा, टू अल्फा और टू बीटा होंगे, क्लियर है भाई, क्या होंगे, टू अल्फा और टू बीटा होंगे। तो अब अगर मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ जाए सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो अब जो मेरे पास ये टू अल्फा और टू बीटा है ना मेरा बेटा, ये मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहां से जो सम ऑफ रूट्स हम निकालेंगे सम ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिंपली इन दोनों का सम ले लेना है, सम लोगों यानी कि ऐड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, टू अल्फा प्लस टू बीटा, यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का थ्री बाय टू, क्या बन गया, ये बन गया टू इंटू नेगेटिव का थ्री बाय टू, टू से टू कट गया, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का थ्री आ जाएगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो क्या निकाल लोगे मेरा बेटा, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं भैया। सिंपल तरीके से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 बाय 2 थी, है ना भाई, क्या थी चेक कर लेते हैं, 5 बाय 2 थी, या 5 बाय 2 थे तो याद हो जाना चाहिए भाई, क्या हो जाएगी 5 बाय 2, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2 से 2 कट गया, 2 2 4 5 2 10 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब जब ये दोनों काम आपने फाइनली कर दिए, अब आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन का, इक्वेशन कैसे बनाओगे, सिंपल तरीके से x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का सिंबल, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की क्या वैल्यू आई, माइनस का 3 आई, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3x आ जाएगा, आगे क्या है, प्लस का सिंबल एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आई मेरा बेटा, 10 आ गई, तो 10 के बाद इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये फाइनली आपके पास आपकी इक्वेशन आ जाएगी इस क्वेश्चन की, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, ये रेसिप्रोकल ऑफ द रूट वाला, ये क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, इसको मैं करने का तरीका बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में सारा काम आपने वही करना है, बट यहाँ से देखो और से चेंज हो जाएगा काम थोड़ा सा, कैसे काम चेंज होगा, बात को जरा समझिएगा, बात को जरा समझिएगा कि मेरा बेटा अब की बारी में आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट। अब रेसिप्रोकल ऑफ द रूट के मायने क्या हुए, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट के मायने ये हुए कि आपको जिस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसके रूट रेसिप्रोकल है गिवन इक्वेशन के। अब रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं डिवीजन में लिखना। तो भाई देखो अगर तुम्हारी गिवन इक्वेशन के रूट अल्फा है तो उनका रेसिप्रोकल क्या हुआ, ऐसी बात है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होगा, तो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या मिल गए आपको, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। अब वही काम करोगे सिंपल, सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालोगे, क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इसमें कुछ भी नहीं करते भाई, इसके अंदर सिंपल तरीके से दोनों रूट्स को आपस में आपने सम ले लेना है, सही है ना, दोनों सिंपल तरीके से एलसीएम एलसीएम लोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फिर आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन करना है, क्या करोगे भाई, सिंपल तरीके से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, इनका आपने प्रोडक्ट ले लेना है, तो क्या बन जाएगा, 1 बाय अल्फा बीटा बन जाएगा, सिंपल तरीके से इनकी वैल्यू डाल दोगे और सिंप्लीफाई कर लोगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन का, इनको उठा के फिर फाइनली अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में डालोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। मैं इसके ऊपर एक और तरह का क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया जो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा क्या होता है, आपसे कहेगा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, आपसे क्या कहेगा, इफ द रूट ऑफ द फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन इफ द रूट्स आर
माइनस वन प्लस माइनस का टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन इफ द रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन इफ द रूट्स आर माइनस का वन प्लस माइनस का टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। कह रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड करो अगर तुम्हारे पास रूट्स ये आ रहे हैं। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर रूट्स कहाँ गिवेन है, यहाँ पे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट ही नहीं गिवेन। तो बेटा ये जो आपको चीज गिवेन है ये डायरेक्टली आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवेन है। कैसे गिवेन है भाई, एक प्लस माइनस के फॉर्म में गिवेन है, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि एक रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस का वन प्लस का टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, और एक रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस का वन माइनस का टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो बहुत दफा एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है, आपको कहेगा फाइंड द इक्वेशन इफ द रूट्स आर दिस दिस दिस, दो रूट दे देगा। तो उसके अंदर भी यही फिनोमिना है कि भाई आपने सिंपल तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट देखे क्या आ रहे हैं। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालोगे। सबसे पहले आपने यहां पे भी यही काम करना है, क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालोगे। और ये कैसे निकालोगे, इन दोनों इंडिविजुअल रूट्स का सिंपल सम करना होता है। जो भी जो भी आपके रूट्स आ रहे हैं इनका सम करना है, तभी तो उसका नाम है सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट है सम करना है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का वन प्लस का टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। इसको प्लस करवा देना है किसके साथ, माइनस के वन माइनस के टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू के साथ। तो भाई देखो ये प्लस का टू रूट थ्री नेगेटिव के टू रूट थ्री को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। माइनस वन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारे पास ये बन जाएगा सिंपल तरीके से माइनस का टू, और नीचे वाला टू एलरेडी इक्वल लिखा जाएगा, दोनों टर्म से नीचे एलसीएम से मारा तो एक बार लिखा जाएगा। तो माइनस टू डिवाइड बाई माइनस टू क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का वन हो जाएगा। यानी कि आपके पास सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के वन के बराबर आ जाएगी। अब फिर आप फाइंड कर लोगे किसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। क्या फाइंड करने के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल तरीके से हमने इनके रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर है। तो हमने अपने इंडिविजुअल रूट्स को आपस में क्या कर देना है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है प्रोडक्ट रूट फाइंड करने के लिए। तो भी जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना, बेसिकली प्रोडक्ट रूट होता है, सही है। तो क्या बन जाएगा, देखो नीचे तो हो जाएगा टू टू जार फोर, और ऊपर गौर से देखो, बचपन ने पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता था किसके, ए स्क्वायर माइनस के बी के स्क्वायर के, है ना भाई, बचपन में जो चीज पढ़ेगी हमें खाली यूज करनी है भाई। तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है, जाहिर सी बात है बेटा टू पे भी जाएगा रूट थ्री पे भी जाएगा, तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और रूट थ्री का स्क्वायर सिंपल थ्री बचेगा क्योंकि रूट कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे क्या आ रहा है, फोर का फोर, तो वन माइनस का फोर थ्री जार ट्वेल्व, फोर थ्री जार ट्वेल्व, तो एक में से तुमने बारह निकाला तो ऊपर क्या बचेगा, नेगेटिव का ग्यारह बचेगा, सही है ना। नेगेटिव का ग्यारह में से तुम चार निकाल दो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का इलेवन बाय फोर आ गई। अब फाइनली तुम इक्वेशन फॉर्म करने पे चले जाओगे, अब फाइनली इक्वेशन फॉर्म कर दो। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू जीरो। बेटा मैं इतनी सारे नंबर ऑफ स्टेप्स कर रहा हूँ तो इसलिए आपको लगता है बड़ा लग रहा हूँ, हालांकि चीज बड़ी छोटी सी मासूम सी है। तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की क्या वैल्यू है मेरा बेटा, माइनस का वन आ रही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का वन इंटू एक्स प्लस का सिंबल, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है नेगेटिव का इलेवन बाय फोर इक्वल टू जीरो, सही है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स नेगेटिव का इलेवन बाय फोर इक्वल टू जीरो। बेटा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का तरीका ये होता है कि सबके नीचे एक ही वैल्यू हो, तो सबके नीचे एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस का इलेवन, और ये फोर सबके नीचे डिवाइड हो रहा होगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये फोर सबके नीचे जो डिवाइड हो रहा होगा, ये जाहिर सी बात है मेरा बच्चा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा जीरो से खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा, इक्वेशन का ये आ रहा होगा। भाई मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है, अपने हाथ से करके दिखाया है, सिर्फ इसलिए कि आपको मेरा बेटा एक एक चीज समझ में आए। हालांकि मेरी तबीयत खराब है बट स्टिल बेटा मैंने एक एक चीज आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो सके। अब बताओ मेरा बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, तो बेटा अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, मेरा तो उसे करवाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। अब वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटी से पूछा चुका है। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का फोर इक्वल टू जीरो, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का फोर इक्वल टू जीरो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आई गेस इसका जो आंसर आ रहा होगा माइनस का 5/3 होगा, चेक कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्लियर है यहां तक की बात? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हमारा यहां तक एक और टॉपिक फाइनली एंड होता है। अब हमारा बस एक लास्ट टॉपिक है जो कि सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक, बड़े मजे का टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम का। उस टॉपिक के ऊपर फाइनली हमारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हमारे टॉपिक फाइनली एंड हो सकता है। जल्दी से मुझे बता दो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम करने वाले ने, ये इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा आ रहा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टॉपिक आ रहा है, फैक्टर थ्योरम कहलाता है। इक्वेशंस के टॉपिक के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के अंदर हमेशा टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सी चीज लिखता हूं। फैक्टर थ्योरम कहता क्या है? लेट सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x³ आगे आता है, लेट सपोज प्लस का 5x और आगे आ रहा है प्लस का 1, डिविजिबल बाय, मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वन से। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी और ये इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x³ प्लस का 5x प्लस का 1, यानी कि वी आर बेसिकली डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर कंप्लीट स्टेटमेंट बाय एक्स माइनस 1, बेसिकली वी आर डिवाइडिंग दिस होल स्टेटमेंट बाय एक्स माइनस 1। तो भाई यहाँ पे जो कंप्लीट टर्म आपकी आ रही है, ये जो कंप्लीट टर्म आ रही है, जो कंप्लीट फंक्शन आपका आ रहा है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करवा देते हैं, एफ एक्स से। और जाहिर सी बात है जिससे डिवाइड करवाना है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करवा देते हैं, px से। यू कैन कॉल इट अ पॉलीनोमियल थिंग और यू कैन कॉल इट जस्ट अ px फंक्शन जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं। ओके भाई, फैक्टर थ्योरम समझने के लिए आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। अब ये दो बातें क्या होती हैं, ये दो बातें होती हैं कि दुनिया में डिवीजन होती कैसे। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल क्लास 5 वाली बात है, हम क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। मगर मेरा बेटा आपको नहीं मालूम होगा, बेटा दुनिया में परफेक्ट डिवीजन कब होती है अगर मैं आपसे पूछूं। आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, हमने तो आज तक खाली डिवीजन करी है, अब ये परफेक्ट डिवीजन क्या होती है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दुनिया में परफेक्ट डिवीजन कब मिलती है, जरा गौर से देखिएगा। हमेशा याद रखिएगा आपके पास दुनिया में परफेक्ट डिवीजन उस वक्त मिलती है जब आपका रिमाइंडर जीरो होता है। रिमाइंडर के मायने क्या हुए सर, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, अगर मेरे पास एक मेरा फंक्शन है एफ एक्स और इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है मेरे पास पी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्या मौजूद है, पी एक्स इंटू QX, यानी कि मेरे पास एक मेरा मासूम सा फंक्शन है और मेरे पास क्या आ रहा है भैया, मेरे पास एक मेरा कंप्लीट फंक्शन है और जिससे मुझे डिवाइड करवाना है उसको PX कहते हैं और QX बेसिकली मेरा आंसर होता है, जो कि मेरा आंसर डिवीजन का आंसर होता है। इन टर्म्स समझ लीजिएगा, FX से कहते हैं कंप्लीट फंक्शन को, PX क्या होता है, जिससे डिवाइड करवाना है, QX यानी कि जो डिवीजन का मुझे आंसर मिलेगा वो QX कहलाएगा। अब देखो अगर मुझे यहां से QX यानी कि डिवीजन के बाद का आंसर निकालना है तो भाई यहाँ पे px क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके fx से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे पास डायरेक्टली qx की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास qx की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप तमाम लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ये fx ऊपर मल्टीप्लाई, fx ऊपर ही रहेगा, ये px नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है ना, ये स्टेटमेंट कहलाती है परफेक्ट डिवीजन की। ये स्टेटमेंट किसकी कहलाती है, परफेक्ट डिवीजन की। ऐसी डिवीजन जिसके अंदर जब आप दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करवाओ तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उस सूरत के अंदर डिवीजन कैसी कहलाती है, परफेक्ट डिवीजन कहलाती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और इम्परफेक्ट डिवीजन क्या होती है, इम्परफेक्ट डिवीजन ये होती है कि मैं अपने फंक्शन को अपने पर्टिकुलर जिस टर्म से डिवाइड करवाना है उससे डिवाइड करवाऊं, अपने फंक्शन को जिस टर्म से डिवाइड करवा रहा हूं उसे डिवाइड करवाऊं और आंसर के अंदर मुझे ना सिर्फ वो वैल्यू मिले जो मुझे आंसर डिवीजन का मिलना चाहिए थी, मगर साथ में कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी मिल जाए। तो उस सूरत हाल के अंदर ऐसी डिवीजन जो कहलाती है, क्या कहलाती है, इम्परफेक्ट डिवीजन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरा बेटा, इम्परफेक्ट डिवीजन कहलाती है। तो भाई अगर तो आपकी सिंपली दो टर्म्स डिवाइड हो, डिवाइड होने पे आपको सिंपल सा आंसर मिल जाए तो वो परफेक्ट डिवीजन है। बट अगर आपको सिंपल आंसर के अलावा भी कोई फजूल चीज मिल रही है तो उसको हम मैथ्स की जबान में क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट टर्म, इम्परफेक्ट डिवीजन। इस बात को समझिएगा, इस बात का बड़ा काम आएगा। क्लियर है मेरा बेटा, यहां तक की बात? आयुब अब आपको परफेक्ट डिवीजन और इम्परफेक्ट डिवीजन के बारे में थोड़ी बेसिक सी गाइडेंस मिल गई होगी कि भाई परफेक्ट डिवीजन कब होती है, जब आपका रिमाइंडर जीरो हो, जब आपका रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जीरो होता है। परफेक्ट डिवीजन पे हमेशा रिमाइंडर जीरो होता है, इम्परफेक्ट डिवीजन पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर की वैल्यू आ रही होती है। अब डिवीजन के टॉपिक में अक्सर वो पेशता नस साइट के ऊपर, IBS साइट के ऊपर स्पेशली, फास्ट साइट के ऊपर स्पेशली, NED साइट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया, मगर इन तीन यूनिवर्सिटीज में और कॉमसेट UET लाहौर के अंदर भी स्पेशली बहुत आया ये।
क्या क्वेश्चन था सिंथेटिक डिवीजन का, ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा गया कि भाई सिंथेटिक डिवीजन बताओ कैसे होगी। अब अक्सर वो पेशतर बच्चा पता नहीं इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाता है, आपसे कहा जाता है कि भाई आपको दो टर्म्स को सिंथेटिक डिवाइड करवाना है। अब सिंथेटिक डिवीजन बड़े सिंपल टर्म होती है और इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना। यानी कि लेट सपोज आपके पास यही क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा था, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है एक्स की पावर फोर माइनस का 3x³ प्लस का 5x प्लस का 1, इसको आपसे कहा जाता है आपको ये डिवाइड करवाना है किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। अब इसको डिवाइड करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन का होता है। अब सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं कोफिशिएंट कॉपी करके मेथड का आंसर निकालने को। सिंथेटिक डिवीजन कौन सा मेथड होता है, इसकी आसान भाषा के अंदर कोफिशिएंट बेस्ड आंसर आपको दे रहा होता है। ये किस तरीके से, आइए जरा समझते हैं। देखो अगर मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर टर्म के साथ क्या करना है, डिवाइड करवाना है, कोई मसले की बात नहीं, बच्चे बच्चे सॉल्व करेंगे, बच्चे बच्चे अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, सिंथेटिक डिवीजन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, इस टर्म से आपको डिवाइड करवाना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये डिवीजन का कॉलम बना लो अपने पास। अच्छा उसके बाद आपने सिर्फ कोफिशियंट्स कॉपी करने हैं क्योंकि हम सिंथेटिक डिवाइड कर रहे हैं। सिंथेटिक डिवाइड जो होती है ना, सिंथेटिक डिवीजन, ये डिवीजन बहुत ही मजे का और छोटा मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक होती है। तो आपने क्या करना है, आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवेन है आपने सिर्फ उसके कोफिशियंट उतारने हैं। यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवेन है जिसको आप डिवाइड करवा रहे हो सिर्फ कोफिशियंट्स, तो एक्स की पावर फोर का कोफिशियंट क्या होगा, देखो सबसे बड़ी, अच्छा ये हमेशा कोफिशियंट जो होने चाहिए ये आपके पास अरेंज होने चाहिए लाइन वाइज, सबसे बड़ी वाली जो वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट पहले आएगा, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 आ गया, सही है। उसके बाद पावर 4 के पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे पावर 2 का कोफिशिएंट गायब है, पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे गायब है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, जाहिर सी बात है मेरा बेटा 0 आएगा क्योंकि पावर 2 का कोफिशिएंट नहीं है वेरिएबल के। फिर पावर 1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और फिर सिंपल 1 आ रहा है तो 1 जो कांस्टेंट आ रहा है वो एज इट इज रहने देंगे, उसको अलग से उतारेंगे, सही है मेरा बच्चा, यहां तक की बात हो गई। अब देखो एक चीज, अब जिस टर्म से आप डिवाइड करवा रहे होते हो ना, जिस टर्म से आप डिवाइड करवा रहे होते हो उस टर्म को आप हमेशा 0 के बराबर सपोज करके वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो। क्या कहा मैंने, सबसे पहले नंबर के ऊपर सिंथेटिक डिवीजन दो टर्म्स को डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है। सिंथेटिक डिवीजन में करते क्या है कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती है उसके कोफिशिएंट को लाइन वाइज ऑर्डर वाइज आप कॉपी डाउन करते हो, और फिर जिस टर्म से डिवाइड करवाना होता है उसको 0 के बराबर सपोज करवाते हो, 0 के बराबर सपोज करवा के वहां से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हो। वेरिएबल की वैल्यू लेट्स सपोज हमें क्या रही 1 आ गई, तो इक्वल टू के इस तरफ क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्या आएगा मेरा बेटा 1 आएगा। ये मेथड बहुत ही मजे का है, बहुत ही आसान मेथड, आपको मजा आ जाएगा मेथड देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अच्छा भाई अब करना कैसे है, देखो सबसे पहला काम क्या है, आपने कुछ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आई एम टू सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, आपने मेरा बच्चा जो पहला नंबर है ना उसको पहले डिजिट को आपने एज इट इज उतार देना है। जो आपका पहला डिजिट आ रहा है आपने क्या करना है, उस पहले डिजिट को आपने एज इट इज कॉपी डाउन करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई मसला यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या करना है, फिर आपने इसी नंबर को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। इस वन को आपने इस नंबर को अपने इस पहले नंबर को आपका जो ये वाला नंबर है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा, 1 × 1 बन जाएगा, ये 1 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, सही है। इनको वापस से प्लस माइनस करवा लो, प्लस करवा लो, क्या बन जाएगा, -3 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2। इस -2 को दोबारा इस 1 से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, तो -2 × 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। 0 में से -2 जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा तुम्हारे पास -2 ही आ रहा होगा, है ना भाई। अगेन इस -2 को क्या करोगे, दोबारा इस 1 से जाके मल्टीप्लाई करवाओगे, तो क्या बन जाएगा, -2 × 1 ये हो जाएगा -2। 5 में से जब 2 जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 को आगे जाके आगे कर क्या करोगे, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये क्या बन गया, 5 में से जब 2 गया तो क्या आ गया मेरा बेटा, 3 आ गया। अब देखो ये 3 जाके अब दोबारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 3 आ जाएगा। तो अब दोबारा देख लीजिए मेरा बेटा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये आपके पास लास्ट टर्म आ गई, ये आपके पास क्या थी, लास्ट टर्म थी। तो जो लास्ट नंबर होता है ये बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये लास्ट नंबर जो होता है ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब आंसर लिखने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ, आंसर लिखते कैसे हैं, आंसर कैसे लिखते हैं मेरा बच्चा, आंसर लिखने का तरीका कि भाई देखो जो भी तुम्हारा जहां से भी तुम्हारा एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर थी ना, आंसर के अंदर हमेशा एक वेरिएबल कम आएगा। अगर आपके एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 4 थी तो आंसर हमेशा क्यूब से लिखना स्टार्ट करोगे। और कैसे लिखोगे, ये आपको वेरिएबल सारे गिवेन है, यहाँ पे आपको सारे के सारे वेरिएबल्स गिवेन है, कोफिशिएंट्स गिवेन है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1x³, आगे क्या आ जाएगा, -2x²
आगे आ जाएगा माइनस का 2x, आगे आ जाएगा प्लस का 3, और ये आपका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मैं दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन सिखा देता हूँ अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है। भाई देखो सिंथेटिक डिवीजन करना बहुत ही आसान काम है, आप में कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से आपको जो भी टर्म गिवन है, जिसको जिसको आपने डिवाइड करवाना है, आपने सिंपली उसके कोफिशियंट को ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। देखो एक्स की पावर 4 का कोफिशियंट रखा, फिर क्यूब पर रखा, अब यहाँ पे पावर स्क्वायर नहीं थी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर पावर एक्स का आएगा, और फिर सिंपल कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट भी रखी जाएगी। सही है मेरा बच्चा? उसके बाद आप जिस टर्म से डिवाइड करवा रहे हो उसकी वेरिएबल से वैल्यू पहले निकालोगे, उसको पहले 0 के बराबर सपोज करवाओगे, और वहां से उसकी वैल्यू आपने यहां पे उठा के पुट करवा दी। अब करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो जो भी पहला नंबर होगा वो एज इट इज आपने नीचे उतार देना है, पहले नंबर को आपने एज इट इज नीचे उतार देना है। सही है? फिर जो भी आपके पास ये नंबर आया, अब इस नंबर को आपने इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा। सही है? 1 1 बना गया यहाँ पे, अब इनको आपस में ऐड करवा दो, -3 + 1 क्या है, -2। अब अगेन ये -2 जो आया इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यहाँ पे नंबर आ गया, इनको आपस में ऐड करवाओगे नंबर आया -2, इसको दोबारा इस 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यहाँ पे नंबर आ गया। फिर ये जो नंबर आया 3, इस नंबर को वापस जाके 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यहाँ का नंबर आ गया 3, तो ये आपका फाइनल नंबर 4 आ गया, इनको जो आपस में ऐड करा 4 आ गया। अब आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है जो कॉन्स्टेंट के ऊपर आपको मिलता है ना, वो आपका हमेशा रिमाइंडर होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चन बहुत दफा सिंथेटिक डिवीजन में आपसे पूछते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू, तो रिमाइंडर आपका इस तरीके से आ रहा होगा। और दूसरे नंबर के ऊपर इसके आंसर्स कैसे लिखोगे, भाई आंसर लिखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आंसर लिखने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई जिस वेरिएबल की पावर से भी, हाईएस्ट पावर से भी आपकी एक्सप्रेशन आपको गिवन थी ना, आंसर के अंदर उससे एक कम एक्सप्रेशन से आपका आंसर स्टार्ट होगा। यानी कि अगर एक्स की पावर 4 से एक्सप्रेशन आपकी गिवन थी, तो एक्स की पावर क्यूब से आपका आंसर स्टार्ट होगा। अगर एक्स की पावर 5 से गिवन थी, तो एक्स की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा होगा। अगर एक्स की पावर 3 से गिवन है, तो एक्स की पावर स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा होगा। तो क्या बन जाएगा ये, एक्स क्यूब से हमारी एक्सप्रेशन स्टार्ट होगी। और स्टार्ट कैसी होगी कि भाई जो आपकी कॉन्स्टेंट्स आए हुए थे ना, कोफिशियंट्स, ये बारी बारी आपके इनके वैल्यूज बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। सिंपल तरीके से, सिंपल इज दैट मेरा बेटा। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये होते हैं सिंथेटिक डिवीजन। इसके एमसीक्यूज पेपर में बहुत आते हैं कि भाई सिंथेटिक डिवीजन पे आंसर बताओ, तो सिंथेटिक डिवीजन पे आंसर इसका क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। अगर रिमाइंडर का एमसीक्यू आ जाएगा, तो रिमाइंडर ये आ रहा होगा। तो ये बेसिक मैथ्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। क्लियर है मेरा बच्चा ये कॉन्सेप्ट भी? अब किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आई होप अब सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। अब वो एक और चीज क्या है, उसको भी देख लीजिए। अब लेट सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन आ, तो मेरा बेटा एक और क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन भी आईबी के पास पेपर से लिया गया है, फास्ट के पास पेपर से लिया गया है, नस्ट के पास पेपर से लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है डिवाइड करवाओ, कहता है डिवाइड 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का 5। डिवाइड 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 बाय x माइनस 2। कहता है कि भैया आपने इस पर्टिकुलर जो आपके पास टर्म आ रही है 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 को आपने डिवाइड करवाना है किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। अब देखो आपको ऑप्शंस के अंदर चार आंसर्स गिवन होंगे, आपको ऑप्शंस में क्या गिवन होंगे, चार आंसर्स गिवन होंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले देख लो, आपसे पूछा ये जा रहा है कि भाई आपको जो है ना, आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इस टर्म से क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन के अंदर वो आंसर लिखा होगा डिवाइड करवाने के बाद। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंथेटिक डिवीजन का, जो मैंने आपको करवा दिया। इस क्वेश्चन को आप एक दफा घर पे बैठ के सिंथेटिक डिवीजन पे इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। सही है ना? इसका आंसर निकालेंगे आप तमाम के तमाम बच्चे। सिंथेटिक डिवीजन पे सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, क्लियर है? इसको करने की वजह एक शॉर्ट ट्रिक भी है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने आपको बात बताई थी कि भाई जिस टर्म को आप डिवाइड करवा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, एफएक्स कहलाता है, और जिससे डिवाइड करवा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, पीएक्स कहलाता है। और हमें बात मालूम है कि अगर तो ये हमारे पास एक परफेक्ट डिवीजन आ रही है, तो हमें बात मालूम है कि भाई एफएक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेसिकली पीएक्स इंटू क्यूएक्स के। ऐसे ही मेरा बेटा, एफएक्स बराबर होता है किसके, बेसिकली पीएक्स इंटू क्यूएक्स के। हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई अगर तो ये प्रॉपर डिवीजन आ रही है, तो fx की वैल्यू बेसिकली px * qx के बराबर होगी। तो अगर px ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आंसर्स होंगे वो qx होंगे, है ना भाई? आंसर्स क्या होंगे, qx होंगे। तो हम बारी बारी इन चारों ऑप्शंस को px से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें fx मिल जाएगा, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा, हमें मालूम है कि भाई fx बराबर होता है px * qx के, है ना भाई? हमें बात मालूम है,
हमें बात मालूम है, तो भाई मैं इनको डिवाइड करने के ऊपर, अगर तो मुझे डिवीजन में मसला हो जाता है, सिंथेटिक डिवीजन में फंस जाता हूं मैं, लेट सपोज, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई मुझे मालूम है, देखो fx बराबर है p के, अब ये fx है, ये px है, और जो ऑप्शंस होंगे वो qx होंगे। ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास, qx होंगे, इनमें से एक कोई सही qx होगा, तो हम बारी-बारी इन चारों ऑप्शंस को px से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर मेरे पास ये फंक्शन मिल गया, इसका मतलब वो आंसर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल सी बात है भाई, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। क्लियर है मेरा बच्चा? बहुत ही आसान सी चीज है। अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ ना कि रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो, सर ये कैसे पता चला सर यहाँ पे रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा था नहीं कर रहा था? भाई जिस तरह कभी आपके घर पे मेहमान आए ना, तो आपकी वालदा आपको कभी कहती नहीं है कि आपने एक समोसा खाने के बाद दो समोसे नहीं खाने, आपकी वालदा खाली आपको आंखें दिखाती है, सही है ना? ये बात बहुत ऑब्वियस सी होती है, जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप एक प्लेट बिरयानी के बाद दूसरी प्लेट बिरयानी बनाने में नहीं उठते, सही है ना? उसके पीछे रीजन होता है मेहमानों को रिस्पेक्ट देते हो। वैसे ही कुछ बातें मैथ्स में ऑब्वियस होती हैं कि भाई अगर उसने नहीं कहा हुआ कि रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नहीं कर रहा, परफेक्ट डिवीजन है भाई। इसका मतलब क्या परफेक्ट डिवीजन है? अगर कर रहा होगा तो वो अपने मुंह से बताएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? तो लेट सपोज अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसीलिए इस अगले क्वेश्चन को हमेशा करवाता हूँ बच्चों को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? फाइंड रिमाइंडर, यानी कि मुंह से कह रहा है रिमाइंडर फाइंड करो। इफ फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का 2 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। क्या कह रहे हैं भाई? कहते हैं रिमाइंडर को फाइंड करो। क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा? कहते हैं कि रिमाइंडर को फाइंड करो, रिमाइंडर को फाइंड करो। और कब रिमाइंडर को फाइंड करो? कि जब मैंने अपनी इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया, यानी कि उसने मुझसे कहा कि भाई देखो मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये रही, जब मैं इस एक्सप्रेशन को x प्लस 3 से डिवाइड करवाता हूं तो बताओ रिमेनिंग वैल्यू रिमाइंडर क्या होगी। अगेन आसान तरीका क्वेश्चन को करने का एक है, सिंथेटिक डिवीजन पे सॉल्व करना। तो अगेन इस क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर आप इजिली घर पे बैठ के सॉल्व कर लोगे। मैं इसी क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो आपको ओरिजिनली फंक्शन क्या गिवेन है, आपको ये ओरिजिनली फंक्शन क्या गिवेन है, ये गिवेन है एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का 2। देखो आपके पास जो टर्म गिवेन है जिससे आपने इसको डिवाइड करवा रहे हो, क्या है? x प्लस 3। मेरा बेटा मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो अगर तो इनके दरमियान रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता होता, तो इसका सिंपल मतलब क्या होता कि मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड करवाता मेरे पास रिमाइंडर जीरो होता, है ना भाई? तो अब इसका मतलब क्या कि जब मैं डिवाइड करवा रहा हूं तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो जीरो नहीं आ रहा तो उसको वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई जो भी मेरे पास एक क्यू एक्स वाली टर्म आ रही है, इसको अगर मैं जीरो के बराबर इक्वेट करवा दूं, यहां से मैं बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3। तो भाई ये जो मेरे पास बेसिकली पी एक्स वाली टर्म आ रही है जिससे मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, इसको मैं अगर जीरो के ऊपर इक्वेट करवाऊ, जिससे भी डिवाइड करवा रहा हूँ, अगर मैं उसको इक्वेट करवा दू, इक्वेट करवाने के ऊपर मैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर इस फंक्शन में पुट करूं, तो बेसिकली फंक्शन पे पुट करने के ऊपर मेरे पास वो आंसर आ जाएगा जिसकी वजह से ये फंक्शन जीरो नहीं हो रहा, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा मैंने कि भाई मेरे पास अगर मैं x प्लस 3 जो मेरे पास ही टर्म है जिससे मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, इसको ओरिजिनल फंक्शन में डाल दूँ, तो भाई f ऑन नेगेटिव 3, मैंने इसकी डोमेन यानी कि इनपुट कर दे दिया नेगेटिव का 3, यानी कि जो x की वैल्यू जो डाल दूँ, इससे फायदा क्या होगा भी आपको समझ में आएगा। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 3 का क्यूब माइनस का 5 इनटू नेगेटिव 3 प्लस का 2 एडिटिस। तो नेगेटिव पे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 27। नेगेटिव का 5 नेगेटिव पे 3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 5 3 15 और प्लस का 2। माइनस 27 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 2 ऑब्वियसली इट विल बी 17, और माइनस 17 प्लस 27 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 10। यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 के बराबर आ रही है नेगेटिव के। आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करोगे उससे भी आपके पास यही आंसर आना चाहिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन करने के। देखो मैथ्स करने के देर कैन बी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेज, आपको वो मेथड यूज करना है जो आपके लिए आसान हो। मेरे लिए तो बहुत सारे मेथड आसान सकते हैं,
आपके लिए जो चीज आसान है आपने हमेशा उसको प्रेफर करना है, उसको फॉलो करना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है, मेजोरिटी बच्चे नहीं समझ पाते बेटा। क्लियर है यहां तक की बात सबको? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। कैसे सॉल्व किया भाई? आपको सिंपल तरीके से एक्सप्रेशन गिवन थी, कहां जा रहा है, डिवाइड हो रही है। एक तरीका सिंथेटिक डिवीजन का, सिंथेटिक डिवीजन घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा लाजमी। अगेन ये मेथड आपको आना चाहिए, बड़े मजे का मेथड है। और दूसरा मेथड क्या था कि शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको मैंने सिखा दिया। शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या कहती है कि भाई देखो तुमने कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे पास सिंपल तरीके से जिससे डिवाइड करवा रहे हो वहां से तुमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में डाल दो, तो अगर तो वहां पे रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर तो रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो भाई ये वैल्यू इस फंक्शन को वेरीफाई कर देगी, तो अगर वेरीफाई नहीं करती उसका मतलब जितनी वैल्यू वेरीफाई नहीं कर रही वो रिमाइंडर है तुम्हारा, उस वैल्यू की वजह से वेरिफिकेशन नहीं होती। तो किस वैल्यू की वजह से नहीं हो रही? माइनस टेन की वजह से नहीं होती। रिमाइंडर क्या आ गया? माइनस टेन आ गया। इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी पैटर्न के ऊपर देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, मैं इसको मिस नहीं करवाना चाहता। क्योंकि मुझसे बेटा स्पेशली बच्चे मेरे लेक्चर्स आपको पसंद इसलिए आते हैं, मेरे लेक्चर्स की खास बात है बेटा, लेक्चर्स के अंदर मैं उन यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स लेकर आता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, और यही पास पेपर आपके पेपर के अंदर फाइनली आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नस्ट के पेपर में चले जाओ, आईबी के पेपर में बैठ जाओ, फास्ट पेपर में बैठ जाओ, एनईटी के पेपर में बैठ जाओ, यही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे अगर आपने तरीके से इनको कवर अप कर लिया। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये मैंने जानबूझ के उसमें पिछले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन यूज करी है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन बड़े मजे का है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बेटा। यूटी लाहौर में भी आ चुका है क्वेश्चन, आईबी में भी आ चुका है, नस्ट में भी आ चुका है, फास्ट में भी आ चुका है, एनईडी में नहीं आया क्योंकि एनईडी में थोड़े से हल्के क्वेश्चन होते हैं, मगर है बड़े मजे का। क्या क्वेश्चन है? व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड इफ एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 3। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, तुम्हारे पास क्या एक फंक्शन है, तुम्हारे पास एक फंक्शन है, बताओ इस फंक्शन से एग्जैक्टली क्या चीज सबट्रैक्ट करो, खत्म करो कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाए एक्स प्लस 3 के ऊपर। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बनने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर को जीरो करवाना है, यानी कि हम रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करवाएंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल बनेगा ना। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको फॉर्मुला मालूम है, फॉर्मुला आपको मालूम है कि भैया अगर तो परफेक्ट डिविजन होती है तो क्या होता है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स हमेशा बराबर आएगा किसके, qx के। qx बेसिकली डिवीजन जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, फंक्शन डिवाइडेड बाय जिस भी टर्म्स आप डिवाइड करवा रहे हो, सही है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है ना ये किसके, इसको बेसिकली आपको रिमूव करवाना है। तो एग्जामिनर बेसिकली पूछना चाह रहा है कि बताओ और कौन सा रिमाइंडर होगा यहाँ पे जिसको तुम्हें सबट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बच्चा? यानी कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू गेन द एग्जैक्टली डिविजिबल टर्म। तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी पेपर में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आप क्या काम करोगे वहां पे, आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर टर्म का रिमाइंडर फाइंड करोगे। जो भी रिमाइंडर होगा इसका मतलब आपको उसको सबट्रैक्ट किया रिमूव करवाना है वहां से। तो भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के ऊपर निकाल के दिखाया था, पिछला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था मेरा बेटा, वहां पे हमने इसी क्वेश्चन पे रिमाइंडर फाइंड किया था। क्या रिमाइंडर था मेरा बेटा इस क्वेश्चन का हमारे पास, ये आ रहा था नेगेटिव का 10। क्या आ रहा था रिमाइंडर हमारे पास मेरा बच्चा, नेगेटिव करना है, यानी कि रिमाइंडर को जीरो करना है, तो रिमाइंडर को खत्म करना है, तो इसका मतलब रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करवाना है। तो यानी कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई, माइनस का 10। तो इसका मतलब क्या है, हमें माइनस 10 को सबट्रैक्ट करना होगा, माइनस 10 को हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि माइनस प्लस 10 को ऐड करना होगा, हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस 10 को हमें ऐड करना होगा। इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन हमें कैसे गिवन हो। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई माइनस 10 सबट्रैक्ट करना है या प्लस 10 ऐड करना है, बात दोनों ही सूरतों में की हुई ना, क्योंकि रिमाइंडर माइनस 10 आ रहा है तो बेटा प्लस 10 ऐड करूंगा तभी मेरे पास रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, और अगर प्लस 10 रिमाइंडर है तो मेरे पास माइनस 10 सबट्रैक्ट करने के ऊपर सूरत भी हो सकता है। क्लियर है मेरा बच्चा? दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेसिकली आपको माइनस 10 सबट्रैक्ट यानी कि प्लस 10 को ऐड करूंगा तभी रिमाइंडर जीरो हो रहा होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा था कि भाई किस टर्म को आप सबट्रैक्ट करोगे कि आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। जाहिर सी बात है रिमाइंडर वाली टर्म को रिमूव करूंगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा ना। क्लियर है मेरा बच्चा? इस तरीके के क्वेश्चन ही पेपर के अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके ऊपर इस टॉपिक को, इस लेक्चर को और इस चैप्टर को फाइनली अपने मंतव्य अंजाम पे पहुंचा रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा बच्चा और इस क्वेश्चन को तो करना आपको असूलन चाहिए। और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है देखेंगे और फिर एंड करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा मेरा बेटा, क्वेश्चन आपसे लास्ट कह रहा है कि इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है, अगर एक्स स्क्वायर
प्लस का एक्स प्लस का फोर, इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का फोर, देन दी वैल्यू ऑफ ए इज डैश, देन वैल्यू ऑफ ए इज डैश, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का फोर, सही है ना, ये क्वेश्चन गिवन है आपसे, कह रहे हैं कि भाई बताओ आपके पास यहाँ पे फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे भाई, देखो आपको फैक्टर एक्स माइनस वन गिवेन है, तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, सिंपल तरीके से इस फैक्टर को जीरो के ऊपर सपोज करवा के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इस एक्स की वैल्यू को उठा के आपने हमें पुट करवा देना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन का स्क्वायर प्लस ए प्लस का फोर इक्वल टू जीरो, सही है ना मेरा बच्चा। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू फाइव प्लस का ए, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, नेगेटिव का फाइव आ जाएगी। क्लियर है मेरा बच्चा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का फाइव आ जाएगी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर के मायने क्या होते हैं, डिवाइडिंग इट, दैट मच दैट नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। फैक्टर के बेसिक मायने क्या होते हैं, जब आप डिवाइड करवाओ तो हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जीरो कंसिडर कर लिया था इक्वल टू के इस तरफ। क्लियर है मेरा बच्चा, इसलिए हम लोगों ने इक्वल टू के इस तरफ जीरो कंसिडर कर लिया। तो फैक्टर के मायने क्या होते हैं कि अगर हम डिवाइड करवाएं तो हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे। इस तरीके से हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर चैप्टर अपने मंतव्य के अंजाम पे पहुंचता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक एक बात आपको क्लियर कर सकूं, एक एक बात आपको लिख लिख के समझा सकूं, एक एक बात बोल बोल के चीख चीख के आपको समझा सकूं। अगर तो आपको सारी बातें क्लियर है, तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपके रिव्यूज का, मुझे आपकी बातों का, मुझे आपके तजिए का इंतजार रहेगा। मुझे एक एक स्टूडेंट का रिप्लाई चाहिए, एक एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट चाहिए, एक एक स्टूडेंट का मुझे शेयर चाहिए, सही है ना भाई। तो जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।